नीच गुड़ी जो जानी बो सुन लख तुलसी दास ढील दिए भुई गिर पड़त खेचत चढ़त आकाश। अरे भाइयों, आज ये सभा यहाँ जिसलिए बुलाई गई है उसका कारण आप सब लोग भली भांति जानते हैं। हमारे नगर बसंतपुर की नगर पालिका यानी मुफिल कमेटी के चुनाव में जो जो मेंबर जनता की खुशी से चुने गए हैं, अर्थात जिनको जनता ने अपनी रक्षा का पूर्ण अधिकार दिया है, आज ये सभा मित्रों इन्हीं महापुरुषों के स्वागत और दर्शनों के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। अरे लाला लाला, ये हमारे महागुरुदेव है। चलिए गुरुदेव। अरे अंदर मीटिंग है, अंदर नहीं है। अरे लाला, बगैर मीटिंग के कैसी होगी? ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, कैसे हो? बहुत अच्छा ड्राइवर साहब, ये हमको अंदर नहीं जाने देता। लाला, ये अपने राय साहब जी का छोटे भाई है, जानते नहीं इनको? आने दो। तुम लोग जाओ सर। अच्छा जी, मैं भी गुरुदेव। प्रिय नगरवासियों, और ये है मेरे आपके हम सबके महाराज राय साहब दीन दयाल। राय साहब की तारीफ करना सूर्य को दीपक दिखाना है। आप पिछले 15 बरस से हर बरस म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान चुने जाते हैं। आप म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान ही नहीं, जनता के सेवक हैं। स्टॉप, तो भी इन मक्खन लगाने वालों की बातों में आ गया। और ये है इस नगर के अन्नदाता लाला मोतीराम जी। भाइयों, आप में से ऐसा कौन प्राणी है जो ये नहीं जानता कि अगर लाला मोतीराम जी का जन्म इस नगर में न होता तो इस नगर की आधी जनता भूखी मर गई होती। मगर शास्त्री जी, आधी से ज्यादा मर चुकी है। और ये है इस नगर के सबसे बड़े ठेकेदार बाबू हिम्मत राय जी। सज्जनों, इस नगर में जितनी पाठशालाएं, जितने अस्पताल और जितनी पक्की सड़कें हैं वो सब की सब ठेकेदार जी की दया की जीती जागती तस्वीरें हैं। इस नगर में लोग साइकिलों, मोटरों और गाड़ियों की सवारी करते हैं तो वो ठेकेदार जी की दया से, और गधे पर चढ़ते हैं तो इनकी दया से। और ये है इस नगर के एक ही अखबार प्रजा समाचार के संपादक श्री रामदास जी। सज्जनों, आप तो जानते ही हैं किसी प्राणी का दुख दर्द देकर जहां इनका हृदय तड़प उठता है वहां इनका कलम भी रोता है। आप केवल प्रजा समाचार के संपादक ही नहीं, इस नगर अनाथालय के कर्ता धर्ता भी। आइए आइए हवालदार साहब, आइए। अच्छा, तो आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। कोई जरूरी बात है? बात चलकर करते हैं, जरा रिस्पेक्टेबल वे में। चलिए चलिए। और भाभी, भाभी क्या बात है भोले? भाभी, तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया है जो आज का तमाशा नहीं देखा। कैसा तमाशा? कहने को तुम मेरे भैया की बीवी हो, लेकिन हो बड़ी भोई। आज भैया की वो इज्जत हुई है कि पूछो नहीं, अगर तू देख लेती तो मेरी तरह पागल ही हो जाती। फूलों के हार, लोगों की जय जयकार, कमेटी हाल में हो गया भैया का बेड़ा पार। तू हंस रही है? रो रो, मैं कहता हूँ रो, इसलिए कि आज तेरा बड़ा भाई शहर की कमेटी का चेयरमैन बन गया है। भैया के लिए शहर का हर दरवाजा खुल गया है, लेकिन तेरे और मेरे लिए
कोर्ट मार्शल। मैं पागल, तू विधवा, हाय हाय हाय, क्या कम्बिनेशन है। बहन, पगलापन और विधवापन दो ऐसी मिठाइयां हैं जो बनाने वाले के लिए मीठी और खाने वाले के लिए कड़वी होती हैं। देवी देवी, आज तुम्हारा भाई शहर की कमेटी का चेयरमैन चुना गया है। अब बड़ी खुशी का अवसर है, परंतु इस खुशी के अवसर पर तुम्हारा उनका सामने होना कुछ अपशगुन होगा, समझदार है। अरे महाराज, वहीं ठहरिए वहीं ठहरिए। अरे केशव खड़ा क्या है, महाराज के आरती उतार। अरे मूर्ख, कितने बड़े महात्मा के घर में रहकर भी आरती उतारनी नहीं है, हट दीजिए। जय हो जय हो, पधारिए। ले पकड़। वो पगला कहाँ है, क्या अभी तक घर नहीं लौटा? क्या उससे आज फिर कोई भूल हो गई? भूल? इसके सिवा और वो कर ही क्या सकता है? तुम शास्त्री जी से पूछो, जिन्होंने आज उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देखा है। और एक ये है हमारे बखुरदार, जो जरूर मेरा नाम रोशन करेंगे। पढ़ाई से इन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि दो हर्फ खैरियत के लिख भेजे। देखिए, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। तुम ठीक कहती हो, दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा और बाइज्जत आदमी हूं, लेकिन अपने घर में दो कौड़ी की इज्जत नहीं मेरी। गुड मॉर्निंग सिस्टर, ऑपरेशन होने में कितनी देर? शुरू होने वाला है, आपको बुलाया। थैंक यू। बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ। ये लड़की बचपन में एक हादसे से अपनी आंखें खो बैठी थी, लेकिन 15 साल के बाद अब इसे फिर से आंखों की रोशनी मिलेगी। अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद? क्या ये लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है? जी नहीं, लेकिन ऐसी ही एक और भी लड़की इस दुनिया में मौजूद है, उसका केस इससे मिलता जुलता है। बचपन में वो लड़की और मैं एक साथ खेला करते थे। एक दिवाली की रात को मेरी भूल से पटाखों की पटारी में आग लग गई और उस धमाके से वो लड़की अपनी आंखें खो बैठी। उसी लड़की की आंखें वापस लाने के लिए मैंने MBBS पास किया है और अब यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ। शांति, क्या है पिताजी? राजन का खत आया है। अच्छा, हाँ। क्या लिखा है? यही कि दिवाली की छुट्टियों में वो यहाँ आ रहा है और तुम्हारी खैरियत भी पूछी है। अच्छा, हाँ। मुझे खत दीजिए ना पिताजी। ये लो बेटी। दाल चावल बिल्कुल खत्म है। अच्छा, अभी तो मैं अनाथालय जा रहा हूँ, वापसी पर लेता आऊंगा। अच्छा। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटन के पास, अरे नमस्ते भैया रामदास। हाँ बोला। रामदास भैया अखबार का काम कर रहे हो? हाँ बोला। भैया एक बात बताओ, ये तुम्हारा अखबार प्रजा समाचार हफ्ते में कितना बिकता है? यही कोई 500-600 कापियाँ, बस यूँ समझ लो दाल रोटी का गुजारा हो जाता है। सिर्फ दाल रोटी का? रामदास भैया, मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है कि तुम्हारा ये अखबार हफ्ते में 10,000 बिका करे।
अच्छा तो ऐसा कौन सा नुस्खा है तुम्हारे पास? बताओ तो फिर जरा गौर से सुनो। ऐसे करो रामदास भैया, इस बार अपने अखबार के पहले सफे पर एक कुत्ते की तस्वीर छाप दो और उसके गले में एक हार डाल दो। अरे पगले, कोई कुत्ते के गले में भी हार डालता है? डालता क्यों नहीं, कल म्यूनिसिपैलिटी हॉल में क्या हो रहा था, सब लोग बड़े कुत्ते के गले में हार डाल रहे थे और छोटे पिल्ले तुम हिला लाकर वाह 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 कर रहे। बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने देवता स्वरूप भाई के बारे में ऐसे शब्द कहते हुए? नाराज क्यों होते हो, मैंने भाई का नाम कब लिया है? और क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानता हूँ कल भी तुमने हॉल में बहुत शोर मचाया था। तो उसका फायदा क्या हुआ रामदास भैया, बताओ ना तुम, एक इंसान की आवाज पिल्लों में वाह 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 वाह। बोला, मैं तो पागल हूँ, नाराज क्यों होते हो? सरकार, ठेकेदार साहब आपको मिलने के लिए आए हैं। उन्हें बिठाओ अंदर। बहुत अच्छा, आइए हिम्मत राय जी। कैसे आना हुआ? जी यूं ही दर्शनों के लिए चला आया था। ये क्या? इस महीने देसी शराब की बहुत खपत हुई है और ये भी लीजिए, नई सड़क का ठेका है, ठेकेदार अपनी खुशी से दे गया है। हिम्मत राय जी, कुछ अपने लिए भी रखा है या सब कुछ मुझे ही दे रहे हैं? जी अपने लिए तो आपकी दया ही बहुत राय साहब, जो कुछ भी आ रहा है सब आप ही का तो प्रताप है। मैं नहीं पीऊंगा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, मैं नहीं पीऊंगा। पी रामू, रामू। अरुणा, कैसी तबीयत है रामू? तबीयत तो अच्छी है लेकिन ये दवा नहीं पीता। अरुणा देखो तुम झूठ बोलती हो, रामू तो बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और देखो ये दवाई पीता है या नहीं। लाओ दवाई मुझे दो, आंखें बंद करो। लीजिए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और मैंने भी। दीदी तुम्हारी आंखें तो पहले से ही बंद है। शरीर कहीं का। देखो रामू तुम ये दवाई पी लो, जानते हो फिर क्या होगा? क्या होगा? तुम अच्छे हो जाओगे तो फिर मेरी आंखें भी ठीक हो जाएगी। हाँ सर। दीदी पिताजी लो, लो लो दवाई पी लो। शाबाश शाबाश। पंडित जी बाकी का सारा प्रसाद राय साहब के घर पहुंचा दीजिए। नमो नारायणम नमो नारायणम नमो नारायणम। शास्त्री जी बस इतना सा प्रसाद? मूर्ख भगवान के प्रसाद को नजर लगाता है, तुझे भगवान नरक में भेजेंगे। सच कहते हैं शास्त्री जी, पिस्ते बादाम वाला प्रसाद तो हजम होता है सिर्फ बड़े लोगों को, छोटे लोगों का पेट तो भगवान के दर्शन से ही भर जाता है। Am I right, शास्त्री जी? सत्य वचन सत्य वचन। बालक अंग्रेजी भी समझते हैं। नमो नारायण। जहाँ हमारे राय साहब की छत्र छाया हो वहाँ धर्म की सदा उन्नति होगी। लोग किस श्रद्धा से मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। सच कहते हो शास्त्री जी। श्रीमान जी ये प्रसाद भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर जी का भोग है। शास्त्री जी विष्णु जी और ब्रह्मा जी को और दीजिए ना। शंकर जी क्या भूखे रहेंगे। और लोगी अच्छा बस। पिताजी बिमला कभी बस नहीं करेगी। तो क्या हुआ, पेट भर के खाने दो। बाबा राय साहब का नौकर आया है, उन्होंने आपको घर पर बुलवा दिया। अच्छा तुम खाना खिलाओ, मैं अभी आता। आइए आइए रामदास जी। क्षमा कीजिए राय साहब, अनाथालय में जरा देर हो गई। ये हिसाब किताब कैसा हो रहा है? इलेक्शन के खर्च का हिसाब हो रहा है महाराज। शास्त्रों में लिखा है कि धन दे और धन ले। 10-20 हजार लगे हैं तो लाखों आएंगे। कहाँ से आएंगे शास्त्री जी? रामदास जी बीज बोया है तो पौधा भी लगेगा और फल भी अवश्य देगा। प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना। महाराज टैक्स लगा दीजिए। ठीक कहते हो श्रीमान जी,
टैक्स के बगैर इतनी बड़ी रकम पूरी नहीं हो सकती, कोई नया टैक्स लगाना ही पड़ेगा। टैक्स क्यों? टैक्स ना लगाया तो इतनी बड़ी रकम वसूल कहां से होगी? तो आपका ये मतलब है कि हमने कमेटी के मेंबर बनकर लोगों पर एहसान किया है जिसका लोग हमें मुआवजा दें? हिम्मत राय जी, हम प्रजा के रक्षक हैं, रक्षक ही नहीं बल्कि उनके सेवक हैं। आप ही बताइए, क्या कभी किसी नौकर की जरूरत हो सकती है कि अपने मालिक पर जुर्माना लगा दे? हमसे किसी ने घर पर तो आकर नहीं कहा था कि कमेटी के इलेक्शन के लिए जरूर खड़े हो? राम जी, ये कहां की अकलमंदी है कि अपना घर फूंक कर जनता की सेवा की जाए? सच कहते हो बाबूजी? अगर ये सच है तो झूठ किसी देवता का नाम होगा। रामदास, बात इतनी लंबी बढ़ाने की क्या जरूरत है? जो तुम कह रहे हो वो भी गलत नहीं और जो ये कह रहे हैं वो भी ठीक है। झूठ क्या है और सच क्या है ये झूठ बोलने वाला ही जान सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ राय साहब कि जिन लोगों ने हमें वोट देकर इज्जत बख्शी है वो हमारी प्रजा नहीं, हमारे राजा है। ठीक कहते हो रामदास, झुकाने वाले से झुकने वाला बहुत बड़ा है। राय साहब, ये बात आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? जिस आदमी ने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी लुटा दी हो वो भला जनता के सर पर हथौड़ा कैसे रख सकता है? रामदास, सेवा तो अपना धर्म है। हाँ, ये तो बताओ अनाथालय का फंड कितना होगा? 10,000 होगा। फिर तो बात बन गई, इलेक्शन के खर्चे के हिसाब में 5,000 तो इनसे ले लेंगे। क्षमा करना, अनाथालय के फंड से मैं किसी को एक पाई भी नहीं ले दूंगा। रामदास, देखो इस शहर में वही होगा जो तुम चाहो। राय साहब, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मैं तो दूसरों की भलाई के लिए कह रहा था। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अनाथालय का बहुत सा काम पड़ा है। अच्छा अच्छा, क्या बात है, इस जमाने में राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या हुआ लाला? मेरी आंखें तो अंदर रह गई। मैं ले आता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं लेकर अभी आया। राय साहब। लाला जी आइए, आप लौट आए, कोई काम है? खास कोई काम नहीं। इस हिसाब में? हिसाब किस बात का, भगवान देता है आदमी लेता है। राशन के ऑफिसर ने शक्कर का कोटा डबल कर दिया है, वो आके बहुत तंग कर रहा था। अच्छा आ गया। माँ बेटा दे तो राय साहब जैसा मुझे इंसान बना दिया, कभी कौड़ी की भी आशा नहीं की। लाला मोतीराम जी, कभी कुछ देने की कोशिश भी ना करना। मैंने एक दफा ऐसी गुस्ताखी की थी तो मुझ पर हाथ उठा लिया, कहने लगे दोबारा ऐसी हरकत की तो जेल भिजवा दूंगा। क्यों नहीं, जो मनुष्य मुझसे भगवान का प्रसाद लेगा वो कभी नीच हो ही नहीं सकता। नीच होकर भी क्या फायदा है, एक ना एक दिन हम सबको भगवान के सामने तो जाना ही है। लेकिन चाचा एक बात तो बताओ, ना धूप है ना बारिश है फिर ये छाता खोले क्यों घूम रहे हो? बेटा सर पर किसी न किसी का साया जरूर रहना चाहिए। चाचा तुम बहुत सियाने हो गए। इस गांव में सबके सब पागल हैं। सिर्फ मैं ही एक सियाना हूँ, मगर जब तुम आ जाते हो ना दो सियाने हो जाते, एक तू एक मैं। चाचा मैं भी सियाना हो गया हूँ। अरे हाँ, पहले इतना था इतना बड़ा हो गया, सियाना नहीं हो गया तो और क्या हो गया? चाचा तुम एक काम करो, मेरा सामान लेके घर जाओ, मैं जरा रामदास चाचा के घर होके आता हूँ। अच्छा मिट्टू, जानते हो आज मैं क्यों इतनी खुश हूँ? अरे जीजी क्या लगा रखा है, तुम भी कुछ बोलो ना। मिट्टू तुम बड़े चालाक हो, हर बात का जवाब जी में दे देते हो। अरे तन और मन के सुंदर पंछी, आज दिवाली है ना, जानते हो आज कौन आने वाले हैं? नहीं जानते ना? राजन जी शांति बैठो।
कितना अजीब है शांति कि मेरे कदमों की आड़ से भी तुम जान जाती हो मैं आ गया। क्यों नहीं, जब भगवान तन की आंखें बंद कर देता है तो वो मन की आंखें खोल देता है, क्यों ठीक है ना जी? ठीक है शांति, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा शांति जब तुम अपनी आंखों से खुद देख सको। क्या वो दिन आएगा? शांति इतना मिट्टू ना मिट्टू, ये जी जी करके बहुत परेशान करता है। जी जी तो इसने ऐसे याद कर रखा है जैसे भगवान का नाम। हर मीठा शब्द भगवान का ही तो नाम होता है, भला जी से मीठा शब्द और क्या होगा। अच्छा जी। हाँ जी। शांति चलो चाची को चल के खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? पहले मुझे बताओ ना। यहाँ नहीं शांति, ये तेरा मिट्ठू जो है जी जी करके बात बहुत। नहीं नहीं वो कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छा, बहुत परेशान करता है शांति, तू चलो ना। अच्छा चलो इसे। हाँ मैं देखा। मिट्ठू जी आप अमरूद खाइए, हम चाची से मिलके आते हैं। अच्छा माँ, माँ देखो कौन आया है। माँ राजन। नमस्ते चाची जी। जीते रहो बेटा। आओ राजन। बैठो राजन। तुम बैठो सर। तुम दिवाली के लिए आए हो? दिवाली का तो बहाना है शांति, मैं तो तुम्हें देखने आया। चल झूठे कहीं के। कब आए राजू? सीधा अभी स्टेशन से चला आ रहा हूँ, आपके लिए खुशखबरी लाया। क्या बेटा? चाची थोड़े दिन हुए हमारे अस्पताल में दिल्ली में एक लड़की की आंखों का ऑपरेशन किया गया। हाँ। उसका केस बिल्कुल शांति जैसा था। अच्छा? चाची वो लड़की अच्छी हो गई, अब तो देख सकती है। देख सकती है? हाँ शांति, यही खबर बताने में तुम्हें यहाँ आया था, और वापसी को तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा, फिर तुम भी ठीक हो जाओ। चलोगी ना माँ? हाँ शांति। राजन तुझे मेरी भी उम्र लगे, तुम शांति की कितनी चिंता करते हो। चाची मैं कोई एहसान थोड़ा ही करता हूँ, मेरा फर्ज है ये तो। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी माँ रात देख रही होगी, फिर आऊंगा मैं। अच्छा शांति, भगवान राजन जैसी औलाद सबको दे। पागल हूँ आसमान के नीचे काला बादल हूँ मैं। बोला जी। राजन कहाँ है? वो भैया रामदास के घर गया है, अभी आता है। क्या औलाद दी है भगवान ने, अगर स्टेशन से सीधा यहाँ चला आता तो क्या बिगड़ जाता। बाप से ज्यादा बाप का दोस्त प्यारा है, न जाने उस घर में क्या रखा है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। भाभी आज मेरी थाली में खाना जरा ज्यादा डालना। क्यों, आज ज्यादा भूख लगी है क्या? मेरा भतीजा बहुत दिनों के बाद आया है ना, इसलिए भूख भी ज्यादा लग रही है। जी चाहता है कि दुश्मनों की बोटियां नोच खाऊं। चाचा मगर तुम तो वेजिटेरियन हो। अरे भतीजे दुश्मनों की बोटियां कचालू होती है, कचालू आलू का बड़ा भाई है। अच्छा भोला की बात है, पहले ये बता कि तू सीधे स्टेशन से घर चला आता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। लेकिन मां रामदास चाचा के यहाँ सीधा तो आ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वहां गया था उनसे ये कहने कि शांति की आंखें ऑपरेशन से अच्छी हो सकती है। मालूम होता है इस बात से घर में काफी तूफान उठा है। तुझे अपने पिताजी का स्वभाव तो मालूम है, इस छोटी सी बात को लेकर लगे मुझ पर बिगड़ने। मेरी तो कोई समझ में नहीं आता माँ, मेरा गुस्सा तुम पे क्यों उतारते हैं, मुझसे बात करें ना। अरे भतीजे तुमसे कैसे बात करेंगे, भैया से दुनिया डरती है लेकिन वो सिर्फ तुमसे डरते हैं। जैसे उनके सामने जाते ही मेरे दिल की मालगाड़ी डर के मारे फ्रंटियर मेल हो जाती है, वैसे ही तेरा नाम सुनते ही उनके लाल लाल टमाटर की तरह गाल पीले पड़ जाते हैं। सब जानता हूँ चाचा, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ कोई ना कोई फसाद जरूर होता है। ये कैसी बातें करता है बेटा, ले देकर तुम ही तो इस घर का चिराग हो, क्या घर में उजाला आने से फसाद होता है? तू नहीं समझती भाभी, बच्चे लोग अंधेरे देखते हैं और ये जो बड़े लोग होते हैं ना वो उजाले। Thank you.
राजन, तुम्हें अब तक बचपन की बात याद है? सच मानो राजन, हर दिवाली को जब तुम मेरे पास होते हो ना, तब मैं ये भूलें देख नहीं सकती। शांति, तुम बचपन के दोष पर पर्दा डाल रही हो। मैं जानता हूं तुम नहीं देख सकते। राजन, फिर कभी मुझ पे ये इल्जाम मत लगाना। बताओ मेरे हाथ में क्या है? फूलझड़ी, फूलझड़ी है फूलझड़ी, और उसका रहता है जैसा कि बचपन में तुम्हारी आंखों का था, शोक सा, शरीर सा, मीठा मीठा सा। तू तो पगली है, कहीं रंग भी मीठा होता है? क्यों नहीं, प्रीत का रंग सदा ही मीठा होता है। राजन, माँ ने तुम्हें दिवाली की मिठाई तो खिला दी है ना? हाँ खिला दी है शांति, मगर थोड़ी सी। चाची ने, चाची बहुत कंजूस है। राजन की माँ जी आई। सुना है आप अनाथालय में नाटक देखने जा रहे हैं, कहिए तो मैं भी चलूं। तुम और इस उम्र में नाटक देखने चलोगी? नाराज क्यों होते हो, लो नहीं जाती? नहीं नहीं, चलो जरूर चलो, शायद हीरोइन का काम तुम्हें ही मिल जाए। अरे नेक वक्त, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि अनाथालय का प्रधान हूँ, शरीफ लोग नाटक वाटक नहीं देखा करते हैं, समझी? राजन कल दिल्ली जा रहा है, शांति को भेजने का फैसला करना है। फैसला क्या करना है, सफर खर्च और ऑपरेशन के लिए रुपया कहाँ से आएगा? रुपया तो खर्च होगा ही, आप राय साहब से कुछ उधार क्यों नहीं मांग लेते? आखिर वो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं। दोस्त मुसीबत में काम नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? कहती तो ठीक हो, लेकिन मैंने जिंदगी भर कभी किसी से उधार नहीं मांगा। पिताजी, तो फिर आप राय साहब से भी मत मांगिए, मुझे मेरी आंखों से आपका असूल ज्यादा प्यारा है। रहने दो शांति, देखिए अगर उधार मांगने से बच्ची की आंखें ठीक हो जाएं, तो इसमें पाप ही क्या है? शायद आपको राय साहब पर भरोसा नहीं। नहीं नहीं, ये बात नहीं, 200-400 रुपए तो क्या, अगर मैं चाहूं तो राय साहब मुझ पर हजारों रुपए निछावर कर सकते हैं। अच्छा, मैं कल सुबह उनके पास जाऊंगा, मेरी बच्चे की आंखों का सवाल है। आराम करो बेटे। ये लिखिए। ये क्या, रामदास से प्रॉमिसरी नोट लिखवाया है? सरकार कर्जा देते वक्त सबसे लिखवाया जाता है। गाय और गधे को तू एक बराबर समझता है? राय साहब, लेन देन में तो हिसाब रखना ही चाहिए। हिसाब और तुमसे? रामदास, तुम मेरी दोस्ती को गाली दे रहे हो। बनारसी, दिन ब दिन तुम्हारी अकल मोटी होती जा रही है, जरा बदन की चर्बी कम करो। छोड़िए भी राय साहब, इसने तो अपना फर्ज पूरा किया है। राय साहब, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बच्ची की आंखें उसे वापस मिल जाएंगी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शर्मिंदा न करो रामदास, मदद तो मामूली सी बात है। मैं तो खुद भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि शांति की आंखें किसी तरह ठीक हो जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शांति की यात्रा के लिए सब तैयारी भी करनी है। जाओ जाओ रामदास, भगवान भी तुम्हारे साथ है और मैं भी। नमस्ते। नमस्ते। सूद कितना लगाया? 2 रुपए सैकड़। महीने का या साल का? महीने का सरकार। रामदास ने कोई हेल हुज्जत तो नहीं की? बिल्कुल नहीं सरकार, चुपके से सैन कर दी। अच्छा, ये प्रो नोट संभाल कर रखो। बहुत अच्छा सरकार। दीदी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, ए भगवान तू हमारी दीदी की आंखें बिल्कुल ठीक कर दे। कमला, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है कमला। चलो बेटी। पिताजी,
पिताजी मैं। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी माँ और राजन तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारे साथ है। चलो डांग, सचमुच मुझे मेरी आंखें मिल जाएंगी? डॉक्टर ने तो बहुत उम्मीद दिलाई। कितने दिन लग जाएंगे? बस यही कोई 10-15 दिन। 10-15 दिन? शांति, एक नया जीवन मिलने के लिए ये कोई लंबा अरसा नहीं। राजन, मैं तो कभी कभी ये प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, बस मुझे 2 घड़ी के लिए देखने की शक्ति दे दे। एक बार मैं तुम्हें देख लूं, फिर बेशक मेरी आंखें मुझसे छीन ले। ऐसा न कहो शांति, तुम्हारी आंखों के दिए हमेशा खेर रोशन होंगे। एक नहीं क्यों, तुम दुनिया की हर चीज को देख सकोगी। तुम्हें देख लिया, तुमने सब कुछ देख लिया। ये दुनिया क्या तुमसे ज्यादा प्यारी होगी? शांति, कितनी अच्छी हो तुम। बेटा, ये अस्पताल तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। अच्छा माँ, मुझसे क्या पूछ रही हो? कुछ दिनों के बाद खुद ही देख लेना ना। चलो शांति, डॉक्टर के पास चलते। शाबाश। वेरी गुड, अपने दाहिने तरफ देखिए। गुड, अब बाएं तरफ देखिए। गुड, ऊपर देखिए बिल्कुल। दैट्स ऑल। राजन, भगवान ने चाहा तुम्हारी जिंदगी का मकसद जरूर पूरा होगा। थैंक यू डॉक्टर। परफेक्ट ही हो रहा है। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? बहुत अच्छी खबर सुनाई। शांति, अब तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। आज तुम्हारी आंखों में दवाई डाल के पट्टी बांध दी जाएगी, तो कल ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन? घबराती क्यों पगली? सारी जिंदगी के सुख के सामने 2 घड़ी का दुख कोई कीमत नहीं रखता। घबराओ नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूं। राजन, राजन, राजन। घबराओ नहीं शांति, सब ठीक जाएगा। सब ठीक हो जाएगा शांति। शास्त्री जी, कुछ कहिए तो सही, आखिर क्या बात है? राय साहब, वो बेइज्जती हुई है मेरी,
की जबान नहीं खुलती। आपके पगले भाई ने अपनी मंडली के साथ मेरी दुकान के सामने मेरा सत्यानाश कर दिया। मुझे चोर, मुझे काला बाजारी, मच्छर, खटमल, खून चूसने वाला न जाने क्या क्या बोल दिया। महाराज, मैं तो भगवान का दास हूँ, मगर उसने भगवान तक को गाली दे दी। कहता था मंदिर से प्रसाद चोरी होता है, भगवान की छाया तले पाप हो रहा है। महाराज, वो पगला अपने आप को सारे संसार का बाप समझता है। बहुत सर चढ़ गया, लेकिन करो भी क्या, आखिर मेरा भाई। डांट डपट करूं तो दुनिया मुझे बुरा कहे। लेकिन महाराज, आपका ये भाई नगर के नाम पर कलंक है। नगर की बहु बेटियों का मंदिर में आना जाना कठिन कर दिया है उसने। लड़की सुंदर हो तो उसे आंखें मारता है, काली कलूटी हो तो 32 के 32 दांत दिखाकर उसकी हंसी उड़ाता है। अब आप ही कहिए महाराज, अगर स्त्री जाति मंदिर में ना आई तो उसका कल्याण कैसे होगा। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ शास्त्री जी। दो वक्त मुफ्त की खा खा के उसकी अकल भी मोटी होती जा रही है और चमड़ी भी। भूल जाइए कि वो मेरा भाई। दुर्गा शांति शांति दुर्गा, ये चाबुक क्या घोड़ा खरीदा है आपने? अरे बालक, ये चाबुक घोड़े के लिए नहीं है, बल्कि उस प्राणी के लिए है जो भगवान की आड़ लेकर दुनिया को गधा समझता है। समझा? समझा। आने दे उसको, आने दे। आज मैं उसकी चाबुक से चमड़ी उधेड़ दूंगा और फिर क्या करूंगा, उस चमड़ी का जूता बनाऊंगा और वही जूता फिर मैं उसको पहनाऊंगा। गुरुदेव शांति शांति, क्रोध से क्रोध बढ़ता है गुरुदेव। अरे बालक, प्रभु गुरु को शिक्षा देता है मूर्ख। गुरुदेव चल मेरी मालिश कर, जल्दी कर, मैं गुस्से में हूँ। इधर का पुर्दा ठीक हो गया, इधर का ढीला है उसको कस। हो गया गुरुदेव, हो गया। सबका भरा कर, सबका भरा कर। शास्त्री जी, जी। मालूम होता है कि लाले की दुकान से आप शक्कर खा कर आए हैं, वरना आप और ऐसी मीठी बातें। भोलेनाथ जी, कहिए आपने भोजन भोजन कर लिया है? शास्त्री जी, जी। मैं राजपूत हूँ और राजपूत का धर्म है कि शिकार करके खाए, और वो भी अपने हाथों से। हाँ हाँ हाँ, धन्य हो धन्य हो। इसीलिए तो लोगों ने कहा है कि अपने हाथ पर जगन्नाथ। भोलेनाथ जी, आप महाराज से कहकर बंदूक ले लीजिए, मैसूर का टिकट मैं दिलवा दूंगा। सुना है वहाँ के जंगलों में बहुत शिकार है। शास्त्री जी, मुझे भगवान ने कहा है कि बेटा जंगलों की खाक नहीं छानना, तुम्हारा शिकार यही मिलेगा। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप? शास्त्री जी, जब कभी भी मैं आप जैसे भद्र पुरुष को देखता हूँ ना, तो मेरे हाथों में खुजली होने लगती है और लहू खौलने लगता है। शास्त्री जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, कृपा करके आप जरा चंद मिनटों के लिए मौन धारण कर लीजिए ताकि मैं अपने हाथ की खुजली ठीक कर लूँ। तो मैं गोरी गोरी लड़कियों को देख कर आँखें मारता हूँ, काली लड़की को देख कर मैं नगर के नाम पर कलंक हूँ। स्त्री जाति को मंदिर में आने के लिए मैंने बंद किया है। विष्णु भगवान सहायता, जाने दीजिए गुरुदेव, अब वो भगवान के शरण में चला गया, क्षमा कर दीजिए। अरे बालक, मैं तो क्षमा कर दूंगा, मगर जिसकी शरण में वो गया है वो कभी क्षमा नहीं करेगा। आ बालक, चल आ जा। देखा देखा प्रभु, आपने ये पगला आपको भी आंखें दिखा रहा है। भगवान भगवान, अगर आपने ऐसे दो चार और पगले संसार में पैदा कर दिए तो आपके सारे मंदिरों को ताले लग जाएंगे। बचाओ भगवान, बचाओ बचाओ। भगवान को ताले क्यों लग गए, बोलता क्यों नहीं? बाजी, तू मुझे शहर में रहने देगा या नहीं? रोकता कौन है, खुशी दे रही है। हराम की खाखा कर, न किसी छोटे की परवाह, न बड़े की इज्जत। धर्म की उस मूर्ति पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं? क्या करूं, पागल जो हूं, इतनी अकल होती तो ये हाल होता मेरा। दिन भर पेट पूजा करता रहेगा तो अकल कहां पे आई? भूखा रहकर भी देगा, अकल फिर भी नहीं आई। अस्पन कर, फिर कभी तूने किसी से कोई हरकत की तो पागल खाने भिजवा दूंगा।
नहीं 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 मैं यही ठीक हूँ। याद रख, फिर किसी से लड़ाई झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दफा हो जाए यहाँ से। शांति की आंखों का ऑपरेशन हो गया है, भगवान ने चाहा तो उसको आंखें जल्द मिल जाएंगी। बच्चों, शांति ने तुम सबको प्यार भेजा है। बाबा, राजन क्या कुछ कर रहा है शांति के लिए? अरुणा, ये सब राय साहब की दया है। भगवान के बाद अगर मेरा कोई मददगार है तो राय साहब है। अच्छा बच्चों, मैं राय साहब को यह खत सुनाकर अभी आता हूँ। आओ बेटा। अरे, ये सब तकलीफ क्यों की? पहले तो कितना फल पड़ा है। कोई बात नहीं चाची जी। शांति, जानती हो आज कौन सी तारीख है? अरे, मैं तो भूल ही गई, आज तो मेरी आंखों से पट्टी खुलने वाली है। राजन, राजन, क्या आज मैं देख सकूंगी? हाँ हाँ, जरूर देख सकूंगी। राय साहब, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिखाई देते हैं। रामदास जी, भगवान ऐसा भी किसी को न दे, आए दिन वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठता है कि मेरी शर्म से गर्दन छुप जाती है। कभी कभी तो जी चाहता है नदी में जाकर डूब मरूं। ये आप क्या कह रहे हैं राय साहब, भगवान ने उसे बुद्धि जो नहीं दी। पगले तो देवता स्वरूप होते हैं, उनके कहे सुने का बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे वो कुछ भी कहे रामदास जी, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन वो तो शहर में शरीफ आदमियों की पगड़ी उछालता फिरता है। किसी की बेइज्जती कर दी, किसी पर हाथ उठा लिया और न जाने क्या क्या करता रहता है। छोड़ दो मुझे, भैया देख लेंगे तो जान से मार डालेंगे। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। गोली किसने चलाई? भाइयों, गोली मेरे हाथों से चली। मैं यही बंदूक का निशाना लगा रहा था कि अचानक गोली छूट गई और यह बेचारा बीच में आ गया, इसे गोली लग गई, मर गया बेचारा। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। गुड, शाबाश। कुछ नजर आने लगा? कुछ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, हिम्मत से काम लो। राजन, हिम्मत से काम लो। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, राजन, राजन, हौसला रखो, हिम्मत से काम लो। डॉक्टर राजन, थोड़ी कामयाबी मिली है, एक ऑपरेशन और करना होगा और उसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि इनकी आंखें वापस आ जाएं। रामदास, ये क्या किया तुमने? राय साहब, ये पूछकर शर्मिंदा न कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता कि आपने क्यों गोली चलाई, मगर जरूर कोई कारण होगा जो ये दुर्घटना हुई। जरा सोचिए, अगर इस छोटी सी बात के लिए आप जैसा बड़ा आदमी जेल चला जाता तो इसमें समाज का कितना बड़ा नुकसान था। समाज आप जैसे महान परोपकारी और दयालु नेता को खो बैठती, लेकिन मेरे जैसे मामूली आदमी के जेल चले जाने से समाज का कोई नुकसान नहीं।
दोस्ती का लफ्ज किताबों में तो पढ़ा था, मगर आज उसकी जिंदा तस्वीर देख ली। छोड़िए राय साहब, छोड़िए, आपने मेरे घर वालों को दिल्ली इस बात की खबर दे दी है ना? अभी तो आने ही वाली, उन्हें खबर देकर क्यों परेशान करता। अच्छा मैं चलता हूं। मुजरिम रामदास को लापरवाही से राय साहब दीन दयाल की बंदूक चलाने के इल्जाम में अदालत 2 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। बेटी। पिताजी ये क्या हो गया? पिताजी ये क्या हो गया? घबराओ नहीं बेटी, धीरे से काम लो, धीरे से काम लो। 2 साल तो 2 दिन की तरह गुजर जाएंगे मेरी अच्छी बेटी। जानती की माँ, तुम तो हौसला रखो, तुमने हिम्मत हार दी तो शांति को कौन संभालेगा? अच्छे बुरे दिनों का नाम ही जीवन है शांति की माँ। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। अरुणा, इन बच्चों का ख्याल रखना, मैं नहीं तो क्या हुआ? इनके रक्षक तो राय साहब हैं, ये अपने बच्चों से ज्यादा इनका ख्याल रखेंगे। रामदास, ये भी कोई कहने की बात है? ये सब मेरे अपने ही तो हैं। नमस्ते राय साहब, नमस्ते बच्चों। राजन, अच्छा हुआ तुम भी यही मिल गए बेटा, नहीं तो 2 साल तुम्हारी सूरत को तरसना पड़ता। मेरी नजर में वो जहरीला सांप था। सांप तो ठेकेदार जी, उस सांप ने आज एक इंसान को काठी खाया ना। मेरा मतलब साहब, राय साहब, आपकी बंदूक से रामदास ने आपके ड्राइवर को गोली मार दी। समझ में नहीं आता, उसे मेरे ड्राइवर से क्या दुश्मनी? आप इन चालों को क्या समझे राय साहब? आपका ड्राइवर रामदास की अंधी लड़की पर नजर रखता था। क्या ये सच है? मेरा ड्राइवर तो ऐसा आदमी नहीं था। देखिए राय साहब, जो हुआ सो हुआ, अब आप रामदास और उसके घर वालों से कोई ताल्लुक ना रखें और राजन को भी वहां आने जाने से मना कर दीजिए। आपकी और हमारी इज्जत का सवाल है। आप समझते हैं ये सब जानकर भी मैं उस खूनी से संबंध रखूंगा? हिसाब में सब गड़बड़ हो जाना। राय साहब, आज से अनाथालय में किसी शरीफ आदमी को नौकर रख लीजिए। ठेकेदार साहब, आपने किसी का जिक्र किया था? जी हाँ, उसे आज यहाँ आने के लिए कहा भी था, शायद अभी आ जाए। लो आइए आइए। क्षमा कीजिए, मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, आप हमारे चेयरमैन साहब, आप लाला जी, शास्त्री जी। ओ, नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। आपका नाम? सीता देवी रामचंद्र अग्निहोत्री। हो, आपने पहले कहीं काम किया है? 20 साल से काम ही तो कर रही हूँ। हो ठीक है, ठेकेदार साहब, रामदास की जगह अनाथालय में प्रबंधक इन्हें रख लिया जाए, तनख्वाह 125 रुपए महीना होगी। हो, और तुम्हारी मदद के लिए अनाथालय में अरुणा भी है, बड़ी अच्छी लड़की है, मिलजुल कर काम करना। आप चिंता मत कीजिए राय साहब। हो,
बैठो शांति। धीरे रखो चाची, तकदीर जैसे बिगड़ती है वैसे बन भी जाती है। दवाई पियो। मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये दवाई हर रोज शांति की आंखों में डालती है। ये रोना धोना बंद कर दो चाची, ये तो जिंदगी है, किसी की झोली में फूल और किसी की झोली में कांटे भर देती है। राजन, हमने तो अपनी झोली में हमेशा कांटे ही कांटे देखे हैं। शांति, आदमी वही होता है जो देखे सब कुछ, मगर कहे सिर्फ इतना, जिससे किसी का कुछ बिगड़े नहीं बल्कि भला हो। हौसला रखो शांति, भगवान सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। देखो, तुम्हारे दूसरे ऑपरेशन के वक्त मैं खुदा का तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, तुम रो मत शांति। बेटा, वो लोग मेरठ से आए हुए हैं। कौन लोग हैं ये पिताजी? अच्छे खाते पीते लोग हैं। लड़की का बाप कलेक्टर रह चुका है, जाने से पहले वो ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। कैसा रिश्ता? तुम भी बड़े भोले हो, मैं तुम्हारी शादी के बारे में कह रहा हूँ। मेरी शादी? पिताजी, आप मेरी शादी के लिए इस कदर परेशान क्यों हैं? अगर तुम हाँ कर दो तो सारी परेशानी दूर हो जाए। शादी जिंदगी भर का संबंध होता है पिताजी, इतनी जल्दी भी क्या है? आप उन लोगों को वापस भेज दीजिए। लेकिन राजन, ना करने का कोई सबब भी तो हो। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, वक्त आने पर मैं शादी जरूर कर लूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। तो क्या हमारी पसंद तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती? आप तो खामखा बात को लंबा कर रहे हैं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। राजन, ये ना भूलो कि तुम मेरे बेटे हो, बाप नहीं। सुन लिया राजन की मां? महाराज, ये सब उस अंधी चुड़ैल की करतूत है, वो अपनी आंखों के इलाज के बहाने आपके घर का दीपक संभाल बैठी है। महाराज, मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका था जब मैंने इन दोनों को बाजार में इकट्ठे देखा था। बेटा, मैं जा रहा हूं। मां, अपने पिताजी से तो मिल लो, उनसे तुम कह देना कि मैं चला गया। महाराज, कुछ भी हो, अब हमारे चिरंजीव का उस नीच घर में आना जाना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। आप समझते हैं मैं चुप बैठा रहूंगा? देखता हूं वो लोग कब तक अपनी कमीनी हरकतों से बाज नहीं आते। मेरे बेटे की शादी मेरी मर्जी से होगी। अरे कौन कमला? दीदी, चाचा कब आएंगे? चाचा वो भी जल्दी आ जाएंगे, वो भी जल्दी आ जाएंगे। ओ, तू? फिर यहाँ आ गई? तू क्यों हाथ धोकर इस अनाथालय के पीछे पड़ी है? जिन कदमों से आई उन्हें कदमों से वापस चली जा। शांति दीदी को आप क्यों दिखाती हो? हैं, चुप रह, चुप रह। बहन, इस मासूम बच्ची पर क्यों हाथ उठाती हो? ओह, तू कौन होती है बोलने वाली? मैं जो चाहूंगी करूंगी।
बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मेरे पिताजी हमेशा इन्हें प्यार किया करते थे। पिताजी, बड़ी आई है अपने बाप के गुण गाने वाली। जानती है शहर के सीधे साधे लोगों की आंखों में धूल डालकर तेरे बाप ने सना थैले में क्या क्या गुल खिलाया है? ऐसा ना कहो, ऐसा मत कहो, वो तो देवता समान है। मगर अब उस देवता की करतूतें किसी से छुपी भी नहीं, और तो और इस सना थैला का चंदा तक खत्म कर गया। ये सब उसके बुरे कर्मों का फल है जो आज घर की बजाय जेल में पड़ा सड़ रहा है। ऐसा ना कहो, अगर मेरे पिताजी से कुछ नहीं हो सका तो तुम ही इसे सुधार लो। हो जिस जगह का करता धरता रामदास जैसा आदमी रह चुका हो उसे मैं तो क्या भगवान। अगर सुधार नहीं हो सकता तो दूसरों को कोसने से फायदा। अच्छा, अब तेरी जबान भी गजभर लंबी हो गई है, जन्म जन्म की अंधी कमीनी। और याद रख, अगर फिर कभी तूने भूले से इधर का मुंह किया तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। हो जन्म की अंधी को जाने के लिए कहा तो सत्याग्रह करके बैठ गई। भला मैं कब डरने वाली थी, मैंने भी उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हो सरकार, सरकार, रामदास की बीवी और उनकी लड़की इधर चली आ रही है। इधर आ रहे हैं? देखा आपने, मुझे पब्लिक में बदनाम करने के लिए मेरे घर पे धावा बोला जा रहा है। महाराज, चींटी और हाथी का मुकाबला है, अब सोच लीजिए जीत किसकी होगी। आप चिंता ना कीजिए, इन भिखमंगों से हम निपट लेंगे। ठीक है, मैं इनके मुंह लगना नहीं चाहता, आप ही इन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दीजिए। हाँ, क्या बात है शास्त्री जी? आज जब शांति अनाथालय गई तो इसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, इसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। हो, माँ बेटी फरियाद लेकर आई है। वो तो खैर मनाओ, मैंने शब्दों से इसकी आवभगत की, अगर फिर कभी कोई वहां आया तो उसकी हड्डी मछली तोड़ दूंगी। हो माँ, सुन रहे हैं ना आप शास्त्री जी? साफ सुन रहा हूँ, सीता देवी ने जो कुछ किया सब उचित किया। माँ, आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं? साथ हमेशा सच का दिया जाता है, झूठ का नहीं। और तो और, तुम लोग राय साहब जैसे धर्मात्मा पर कीचड़ उछाल रहे हो। अरे, इस पेड़ की छाया में सुख चैन की नींद सोए, उसी की जड़ों को काट दिया। शास्त्रों में लिखा है कि तुम जैसे अधर्मियों को घोर दंड दिया जाए। क्या क्या है हमने जो नहीं करना चाहिए? राय साहब के इकलौते बेटे पर डोरे डालकर उसे फांस लिया, शर्म आनी चाहिए। हे भगवान, ये सब क्या, तो ऐसा विचार भी कभी अपने मन में नहीं लाए। ये आचार विचार हम कुछ नहीं जानते। अगर भला चाहती हो तो ये शहर छोड़कर कहीं दूर जा मरो, ताकि तुम्हारे पाप की परछाई राय साहब के घर पर ना पड़ सके। हाँ, ओ, इस अंधी जुड़ेल ने अपने लिए राय साहब जी का लड़का चुना। माँ, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो माँ। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि इस शहर से, यहाँ सिवाय राजन के कोई भी तुम लोगों का छिड़ नहीं देखता। भोला चाचा, तू आ गया। अच्छा किया, अच्छा किया। चाचा, तुम्हारे गले को क्या हुआ? अरे आजकल मैं क्लासिकल कर रहा हूँ, इसकी आवाज बैठ गया। ठीक है, मैं गोली दूंगा तुम्हें। जरूर देना, मगर मारना नहीं है गोली। अरे सुन, एक बात अच्छी होगी, तुम अपना सामान उठाकर खुद ही घर ले जाएगा, मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों चाचा, नाराज हो क्या? नहीं, ये बात नहीं है, कोई और बात है। क्या बात है? शांति और शांति की माँ को शहर से छुट्टी हो गई। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। कहाँ गए? ये तो मैं नहीं जानता, मगर ये जानता हूँ कि ना तो वो रेल पर गए हैं, ना मोटर पर गए हैं, ना टांगे पर चढ़कर गए हैं। वो गए तो अपनी दो टांगों की सवारी पर। तुमने क्या उन्हें पैदल जाते हुए देखा है? मैं हिंदी में पागल और तू अंग्रेजी में मैं। इधर मेरे पास, इधर। एक सीधी बात है बेटा, कि अगर अमीर आदमी को शहर से भागना हो तो वह हवाई जहाज पर भागता है, और अगर गरीब आदमी पर मुसीबत पड़े तो उसको जूते भी नसीब नहीं होते, पैदल ही भागता है, समझा?
समझ में नहीं आता पिताजी के होते उनको शहर छोड़ने की जरूरत क्या थी। अरे भाई ये जाकर तुम अपने बाप से पूछ, वो है बड़ा बिजनेसमैन, जिसको चाहे शहर में इंपोर्ट कर ले, जिसको चाहे एक्सपोर्ट कर दे, और फिर भी बोलती आपती रामचंद्र की जय। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरे काम है। राजन तुम कब आए बेटा? बस आज ही आ रहा हूँ जी। सुना है शांति और चाची शहर में नहीं? अच्छा, ये तो आज मैं पहली बार तुम्हारी जुबानी सुन रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है पिताजी, आपको पूछे बगैर भी शहर छोड़कर चले गए? दुनिया का रंग बदलते देर नहीं लगती बेटा, जब रामदास ही यहाँ नहीं तो उन लोगों को मेरी क्या परवाह। ठीक कहते हैं आप, दुनिया का रंग बदलते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती। याद है आपको, आपने रामदास चाचा को वचन दिया था कि शांति और चाची जी का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। मगर मैंने तो उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखी, न जाने क्यों चले गए वो लोग। कैसे यकीन कर लें, जिस शहर में आपकी मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिल सकता, वहां से आपके दोस्त की बीवी और लड़की को भेड़ बकरियों की तरह निकाल दिया गया, और आप कहते हैं मुझे खबर तक नहीं। तुम तो खामखा बाल की खाल निकाल रहे हो बेटा, जब वो चले ही गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते थे, कम से कम उन्हें तलाश तो कर सकते थे आप। मगर मैं जानता हूं आप बहुत बड़े आदमी हैं, और बड़े आदमी छोटों की कभी परवाह नहीं करते। मगर याद रखिए, जिस फर्ज को आपने पूरा नहीं किया उसे मैं पूरा करूंगा। मैं जा रहा हूं। राजन, राजन बेटा कहां जा रहे हो? मैं शांति की तलाश में जा रहा हूं मां, न जाने वो लोग किस हालत में होंगे। देख लिया अपने लाडले को, अब उन खाना बदोशों की तलाश में भटकता फिरेगा। बेटी खा लो। नहीं मामा, तुम खा लो। मैं जानती हूँ कल रात भी तुम मेरे लिए भूखे रहे हो। बहन जरा समझाने से, बेटी कल मैं एक शादी में खा करके आया था, और बेटी बूढ़ी अवस्था में जितना ही कम खाऊंगा उतना ही ज्यादा जीऊंगा। खा लो बेटी। माँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कि राजन आ रहा हो। कौन है भाई, अंदर आ जाओ। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। कौन, राजन ही तो आया है। राजन, राजन बैठो। राजन राजन, तुम्हें यहाँ का पता कैसे चल गया? बस तुम लोगों को ढूंढता हुआ चला। चाची जी, गांव छोड़ने से पहले आप मेरे पिताजी से क्यों नहीं मिले? कोई मिलने देता तो मिलते ना। क्यों शांति, हमारे घर के दरवाजे कब से तुम पे बंद हो गए? ये तो भगवान ही जानता है। राजन, मैं अनाथालय गई तो सीता देवी ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। मां और मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने गए तो दरवाजे पर ठेकेदार साहब, लाला जी, शास्त्री जी दीवार बनकर खड़े हो गए, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया। कुछ न पूछो बेटा, कुछ न पूछो, हमारी इज्जत उतार दी, और तो और हमें गांव से बाहर जाने के लिए कहा। क्या करती औरत साथ थी, इज्जत बचाने के लिए इसे साथ लेकर यहां चली आई। काश सुख में वहां होता चाची। सब ठीक हो जाए चाची जी, कल सवेरे आप लोगों को साथ लेकर मैं दिल्ली जा रहा हूं। शांति की आंखों का ऑपरेशन करना है। रहने दो राजन। क्यों शांति, मैं अभागन आंख लेकर क्या करूंगी? इस दिन के चप्पे चप्पे पाप और सुल्फ ही देखूंगी। लो बेटा थोड़ी रोटी खा लो। आप लोग खाइए ना चाची जी। नहीं राजन, हम खा चुके हैं, लो तुम खा लो। क्यों झूठ बोलते हो शांति? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्यों माँ, हम खा चुके हैं ना,
शांति सुन, तुम्हें तो मेरे कदमों की आहट सुनकर पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं, और मैं तो तुम्हारी सूरत देखकर भी नहीं जान सकता कि तुम रोगी हो। राजन चलो, राजन हम सब मिलकर खाते हैं, चलो चलो लो खाओ। तुम पहले खाओ, शांति तुम खाओ, चलो शुरू करो। चाची जी, ऑपरेशन कामयाब हुआ है, अब हमारी शांति की आंखें जरूर वापस आ जाएंगी। शुक्र, सिर्फ दो चार दिन की बात है। चलिए शांति, धीरे धीरे आंखें खोलो। मैं यहां शांति, मैं यहां। शांति शांति शांति, तुम मुझे देख सकती, मुझे देख सकती हो शांति? राजन तुम, मैं तुम्हें देख सकती हूँ राजन, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ राजन, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। बेटी माँ, मैं देख सकती हूँ, माँ मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। कितना अच्छा होता अगर इस वक्त मैं पिताजी को भी देख सकती। वो दिन दूर नहीं बेटी, पहले डॉक्टर साहब का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी है। मैंने नहीं, डॉक्टर राजन ने। डॉक्टर, मैंने शांति को नहीं, अपने आप को एक नई जिंदगी दी है। आप शायद नहीं जानते, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा यही है। डॉक्टर राय, मैं जानता। याद तुमको मेरी भी आती तो शांति, ओ शांति, जन्म जन्म से। शांति, जब तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं थी ना, तो तुम तो मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान लिया करती थी, और अब तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई।
लेकिन आज तुमने मुझे पहचाना भी नहीं, मेरी तरफ देखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं मुझसे, इसलिए कि अब मेरा जीवन किसी के कदमों की आहट नहीं बल्कि जो मेरी जिंदगी है उसे मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। ऐसी भी कोई चीज है क्या? मुझे दिखाओ ना। तुम देखोगे सच्ची? सच्ची? अच्छा तो फिर ये देखो। अरे ये ये तो मेरी तस्वीर है। जरा गौर से देखो। इसको क्या गौर से देखो ना। अच्छा तुम कहती हो तो देखता हूँ। अपने आप को नहीं फूलों को देखो। फूलों को? फूलों को उसके सामने पसीना आ रहा है। बिल्कुल बच्चों जैसी बात करती तो क्या मैं क्या फूलों से भी अच्छा हूँ जानती? सिर्फ फूलों से ही नहीं सारे बाग में अच्छे हो तुम। लेकिन शांति बाग में तो कांटे भी होते हैं। मुझे मालूम है। जानते हैं कांटे क्यों होते हैं? नहीं तो। कांटे इसलिए होते हैं कि कहीं फूलों और कलियों को नजर न लग जाए। शांति लेकिन मेरे बाग में तो एक ही कली है। एक बस? और मेरी बगिया में भी एक ही भंवरा है। एक। लेकिन भंवरा तो हर जाई होता है। एक पल उस कली के पास बैठता और एक पल उस कली के पास। मुझे तो मैं नहीं मानती। सुनो अगर कली के मन में सच्ची प्रीत की खुशबू हो ना बिल्कुल सच्ची तो भंवरे की क्या मजाल कि वो हर जाई हो सके। बोलो। तुम बहुत सयानी हो गई ना। शांति तुम्हें क्या अपने आप पर इतना भरोसा है? अपने आप पर तो नहीं मगर तुम पर जरूर है राजन। वो जिसने दिन रात एक करके मुझे जीवन की अंधेरी गलियों में से निकालकर ये जगमगाती हुई दुनिया दिखाई उस पर मुझे उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना कि एक पुजारण को अपने देवता पर होता है। शांति ओ शांति सुनो तुम मुझे सिर्फ आदमी रहने दो, मुझे देवता नहीं बनना है। तो शांति मेरा और देवता का मुकाबला क्या है? राजन तुम नहीं जानते कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो इस धरती के देवता होते हैं और तुम उनमें से एक हो। तो एक काम करो तुम। क्या काम? वो काम ये कि वो अपने गांव के बाहर मंदिर है ना मंदिर, तुम मुझे वहां ले जाके बिठा दो। हाँ तुम कहती हो ना देवता हूं तो देवता तो मंदिर में रहते हैं ना। मंदिर में तो कब से बिठा चुकी अपने मन मंदिर में। अगर कभी तुम उससे दूर होगे ना तो मैं अपनी गर्दन झुकाकर तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी। तुम तो एकदम पगली हो पगली। भला मैं तुमसे दूर क्यों होऊंगा? सुनो एक खूबसूरत लड़की हो, बहुत ही खूबसूरत, तुम्हारे जैसी। चलो हटो। और उसके पास एक खूबसूरत दिल हो जिसमें एक खूबसूरत मंदिर हो, उस मंदिर में मैं तुमसे कैसे दूर हो सकता हूँ? शांति बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम तो मेरी जिंदगी हो। बोलो सच। मैं नहीं जानती। शांति
संभाल के संभाल। चाची कहाँ जाती? माँ तो रसोई में है, लेकिन इतना सामान कैसा? ये दवाइयों के बक्से। क्यों? कल हम लोग बसंतपुर जा रहे हैं, मेरी यहाँ की ट्रेनिंग खत्म हो गई है ना, तो वहाँ दो चार दिन में अस्पताल खोल देंगे। इतनी जल्दी अस्पताल खुल जाएगा? जरूर खुल जाएगा, मैंने सब इंतजाम कर दिया। और देखो, तुम्हें दिल्ली से कोई चीज देनी हो तो आज ही ले लो, चाची से पूछ। लेकिन माँ तो कह रही थी कि हम बसंतपुर जाकर क्या करेंगे। क्यों शांति? क्योंकि पिताजी तो अभी तक जेल में है। शांति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शांति, चाची को समझा दूंगा मैं। चल शाबाश। तुम उदास क्यों? मुस्कुराओ, तुम्हें कोई बीमारी नहीं। मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ेगा। शायद कोई जरूरतमंद डॉक्टर होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो, घर जा सकते हो। अच्छा अच्छा जी। राजन बेटा। भोला चाचा। चाचा तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने अस्पताल खोला है ना, इसलिए मुबारक देने आया हूँ। चाचा मुझे मुबारक नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ चाचा कि तुम यहाँ आए हो। मैंने सोचा कि तेरा नया नया काम है, अगर अकलमंद बाप नहीं तो पगला चाचा ही हिम्मत बढ़ाए। तू रो रहा है? अरे चाचा की तरह पगला हो गया क्या? चल काम कर। ए, आजी। कहाँ ले जा रहा है खाना? जी डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा, तो खाना भी घर से जाने लगा। मैं पूछता हूँ ये घर है या होटल? उसे काम काज से फुर्सत जो नहीं मिलती, मैंने सोचा वही खाना भेज दूँ। ठीक कहती हो, जब से उसने अस्पताल खोला है उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगवान ने एक ही लड़का दिया, लेकिन वो भी सिर फिरा, जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। महाराज। आइए आइए श्रीमान जी। महाराज बड़ा शुभ समाचार है, कल रात को लक्ष्मी माँ ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए। क्या मतलब? मैं मंदिर की पुरानी पुस्तकों की जांच पड़ताल कर रहा था, एक पुस्तक में से ये पत्र मिला। मंदिर के नीचे खजाना है। हाँ महाराज, पुराने जमाने में राजा लोग शत्रु के डर से अपना धन भगवान की मूर्ति के नीचे दबा देते थे। ठीक है शास्त्री जी, मगर ये मंदिर का मामला है। तो क्या हुआ महाराज, भगवान आपके हैं, मंदिर आपका है, और अब तो ये धन भी आपके ही भाग में लिखा है। हाँ ठीक है, हम सोच विचार के जवाब देंगे। मैंने सब सोच विचार लिया है, मरम्मत के बहाने मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दिन के वक्त मंदिर के बाहर छोटी मोटी मरम्मत होती रहेगी, और रात के वक्त हम लोग अंदर ही अंदर अपना काम करते रहेंगे। नमस्ते। ये रहे तुम्हारे कपड़े, और सरकार की तरफ से ये 30 रुपए। धन्यवाद। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते जी। बेटी। पिताजी। शांति। पिताजी। बेटी बेटी, सुना था तुम्हें आंखें मिल गई, इतने सालों के बाद तुमने सचमुच मुझे पहचान लिया। आखिर मेरा खून खोना। शांति की माँ, रात का अंत हो गया,
सवेरा मुस्कुरा रहा है। राजन, राजन बेटा, चाचा जी मेरे घर में सवेरा तुम ही लाए हो। राय साहब कैसे हैं? ये अच्छे अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे हैं। ये पहले 5 गज की पगड़ी बांधते थे, अब 6 गज की बांधते हैं। और क्यों नहीं बांधे है, सर तो उतना ही रहा है मगर अकल मोटी हो गई है। भोला तो पगले का पगला ही रहा। वो तो हूँ मैं, भोला चाचा तो बेचारा पगला ही रहा। मगर चाचा जी दुनिया भी सियानी नहीं हुई, अगर हुई होती तो ये सब पिताजी आपके स्वागत के लिए यहाँ मौजूद होते। अरे किसी काम में लगे होंगे बेटा, वरना राय साहब और मुझे ले लेना है। रामदास मैं तो पागल हूँ ही, मगर जेल खाने की आवाज आकर तुम भी पागल हो गए। क्या बकता है बेटा? ठीक ही तो बकता हूँ। चाचा जी घर चलिए, शांति और चाची जी आपको सब कुछ बता देंगे। अच्छा तो ये बात है, दुनिया इतनी जल्दी बदल भी सकती है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी गैर हाजिरी में इतना कुछ हो जाएगा। छोड़िए ना, जो होना था सो हो गया। भगवान का शुक्र है हम सब इकट्ठे हो गए। ये तो ठीक है, लेकिन शांति की माँ एक बात समझ में नहीं आती, आखिर राय साहब क्यों चुप रहे? हो सकता है उनको इस बात की खबर तक न हो। पिताजी आप तो सबको अपनी ही तरह समझते हैं, भला सरदार के हुक्म के बगैर डाकू कैसे डाका डाल सकते हैं, बताइए। मैं अभी राय साहब के पास जाता हूँ, जब तक मैं खुद उनसे न मिलूं मेरी तसल्ली नहीं होगी। अब मत जाइए पिताजी, पहले हमारी दुर्दशा हुई थी, अब आपकी होगी। नहीं नहीं शांति, राय साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या आपने और हमने कुछ फर्क है? शांति की माँ मेरा दिल कहता है जरूर तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं अभी मिलकर आता हूँ। ठहरिए पिताजी। ओ ये तो पहन लीजिए। नहीं, संतान सचमुच माँ बाप की आंखें होती हैं। देखा शांति की माँ, केशव कहो कैसे हो? अच्छा बाबूजी, ठहरिए अंदर मीटिंग हो रही है, मैं अभी पूछ के आता हूँ। पूछने की क्या जरूरत है, मैं खुद चला जाता हूँ। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आया। अच्छा तो रात को मंदिर में कोई नहीं आता? राय साहब भगवान आते हो तो पता नहीं, आदमी तो कोई नहीं आता। सरकार सरकार रामदास आ गया। कहाँ है वो? दरवाजे पे खड़ा है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि अंदर मीटिंग में, जरा पूछ के बताऊँ। पूछ के बताता हूँ, वरना अपने चेता के लगन का मुहूर्त पूछना था तुझे, अबे धक्के मार के क्यों ना निकाल दिया? ठीक तो कह रहे हैं शास्त्री। दूंगी सरकार, ऐसे ही करूँगा। जाओ, राय साहब को मिलने की फुर्सत नहीं है, आप चले जाइए। केशव तुमने राय साहब को मेरा नाम बताया? जी हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? राय साहब ने कहा कि आपको धक्का मार के निकाल दो, और मुझे आप पर दया आ गई इसलिए मैं चुप रहा। केशव? केशव नहीं, मिस्टर केशव, आप चले जाइए यहाँ से। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते, यहाँ कैसे बेटा? जी यहाँ एक मरीज को देखने आया था। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा था बेटा, मैं अस्पताल देखने चलिए ना। अस्पताल चलो, बैठिए। चाचा जी। हाँ बेटा। शांति कैसी है? बेटा तुमने ही तो उसे दूसरा जन्म दिया है, वो दिन रात तुम्हारा ही गुनगाती है। चाचा जी शांति की आंखें अच्छी होने से बहुत दिन पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन हालात की वजह से चुप रहा। ऐसी क्या बात है बेटा? चाचा जी मैं आपसे शांति के हाथ की भीख मांगना चाहता हूँ। भीख का शब्द अपने मुंह से क्यों निकालते हो बेटा? जिस लड़की को तुमने एक नया जन्म दिया है उस पर तुमसे बढ़कर और किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? लेकिन बेटा मैं ये नहीं चाहता कि इस रिश्ते के कारण एक दोस्त अपने दोस्त को गलत समझे, एक पिता के अपने बेटे से अनबन हो जाए। चाचा जी अगर मेरी और मेरे पिताजी के अनबन का कारण शांति है तो मैं पिताजी को छोड़ सकता हूं, लेकिन शांति को नहीं। बेटा मैं जानता हूं कि तुम क्या हो और तुम्हारे विचार क्या हैं, लेकिन लेकिन राय साहब कोई रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, कभी मंजूर नहीं होगा।
कौन है तुम लोग? भगवान के भक्त हैं। आप भी मोह माया का त्याग करिए। यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान का भजन कर रहे हैं। मंदिर मरम्मत के लिए बंद है और यहाँ किसी को आने की जानते नहीं है। जानते नहीं तुम लोग? हम अच्छी तरह जानते हैं ठेकेदार साहब, मगर आप ही मूर्ख हैं जो छोटी सी बात को नहीं जानते कि भगवान के मंदिर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। मंदिर की मरम्मत दिन को हो रहा है, इसलिए हम रात को पूजा करने आ गए। मगर नहीं, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाना। ठेकेदार साहब, आप जोर से मत बोलिए, मैं भी जोर से बोलना जानता हूँ। किसकी हिम्मत आज मुझे भगवान के स्थान से बाहर निकाल दे। ठेकेदार साहब, पगले के मुंह क्यों लग रहे हैं आप? चलो राज साहब के पास चलें। हाँ, और चलकर रपट लिखवाएं। अरे लाला, तू आप है अपना चोर, काहे रपट करे कुतवाली। बदमाश, क्या इतने बड़े घर में जगह नहीं जो रात को मंदिर में पड़े रहते हो? क्या करने गए थे वहां? भगवान ने बुलाया था। भगवान ने बुलाया था, तार भेजा होगा। आइंदा फिर कभी मंदिर के आसपास गए तो चमड़ी उधेड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। भगवान ने बुलाया तो भी नहीं जाऊंगा। रखो मत। देखिए, आइंदा ये फिर कभी मंदिर के आसपास जाए तो मुझ तक शिकायत मत लाना। इसकी गर्दन पकड़कर किसी गंदी नाली में फेंक दे। ये काम तो हम कल रात ही कर देते राय साहब, सिर्फ आपके ख्याल से कड़वा घूम पी कर रह गए। देखिए राय साहब, इन तिरछी आंखों से देख रहा है। जी चाहे तो आंखें निकाल लो इसकी, वो क्या देख रहे हो? जाओ जाओ। ये तो मैं हाथ बटा दूं। बेटा, ये तो रोज का काम है, जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मदद जरूर लूंगा। बता लो, बता लो रामदास भैया, उसे चलकर बचा लो। क्या हुआ तुम्हें? बात क्या है चाचा? अरे बात क्या खाक होगी, वो बेचारा सख्त मुसीबत में है, चलकर उसकी मदद करो। लेकिन कौन मुसीबत में है, किसकी मदद करनी है? अरे उसी की और किसकी। हाय हाय, मैं जब भी उसको देखता हूँ मुझे बड़ी दया आती है। लेकिन भोला, ये तो बताओ किस पर दया आती है? भगवान पर और किस पर? भगवान? कौन सा भगवान? दुनिया में एक ही तो भगवान है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। चाचा तुम भी कमाल करते हो, भगवान तो सबकी मदद करता है, क्या उसे भी हमारी मदद की जरूरत है? सच कहते हो बेटा, मगर अब वो वक्त आ गया है जब उसे भी आदमियों की मदद की जरूरत है। बेचारे विष्णु भगवान सच संकट में हैं और ये समाज की इज्जत के ठेकेदार हाथ धोकर उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। चाचा साफ साफ कहो, तुम्हारा मतलब क्या है? अरे मतलब तो बिल्कुल साफ है कि विष्णु भगवान के मंदिर में रात को कोई नहीं जा सकता। कल रात को मैं वहाँ गया था, ठेकेदार और शास्त्री जी दोनों वहाँ निकले, मुझे देखते उनके तन बदन में आग लग गई। सीधा जाकर चेयरमैन से मेरी शिकायत कर दी और चेयरमैन साहब को मुझ पर वो ताव आया कि पूछो नहीं, मुझे मुल्तान की गर्मी याद आ गई। इससे साफ पता चलता है कि ये बड़े लोग मंदिर में जरूर कुछ गोलमाल करते हैं, इनका बस चले तो ये भगवान को भी बेचकर खा जाए। चाचा की बातों से साफ जाहिर है कि दाल में जरूर कुछ काला है। जब मंदिर की मरम्मत दिन में होती है तो फिर रात में लोगों को वहां क्यों नहीं जाने दिया जाता? कौन जाने इस बहाने वहां क्या होता है। ये सब खबर मैं आपको कल ला कर देता हूँ, आखिर मैं भी भगवान का एडी कांग हूं। बड़ा मक्का है ये पगला।
नमस्ते ठेकेदार। नमस्ते जी। बच्चों को सिनेमा दिखाने ले जा रही हूँ। बाइस्कोप? तुम्हारा भी जवाब नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया, आप तो जानते हैं कि बच्चे सिनेमा से बहुत कुछ सीखते हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, आप अरुणा देवी को साथ नहीं लाए? उसे मैं छोड़ा हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन बाबरची तो जरूर होगा, वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ। तो क्या इस वक्त अरुणा देवी अनाथालय में बिल्कुल अकेली है? क्यों, अकेले में उसे वहाँ भूत पकड़ लेंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, बात ये है कि मेरी तरफ से ये ले लो और बच्चों को मूंगफली खिला देना। हाँ। और मेरी तरफ से 1 रुपए के पटाखे। अच्छा वो तुझे नहीं ले गई, चलो अच्छा ही हुआ, मैं तुझे घर में ही प्रेम भरी नगरी का प्रेम भरा नाटक, यानी कि मैं हीरो और तू हीरोइन। लाला जी, लाला जी नहीं, प्यारे कहो प्यारे, नहीं मेरे होते हुए मैं तुझे अनाथालय में नहीं रहने दूंगा। लाला जी, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ठेकेदार तो घर में है, मैं तो लाला हूँ। लाला, शांति बहन। शांति बहन, जय राम जी की, ये लड़की खामखा मेरे घर पड़ रही थी, समझो मैंने कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या करने आए थे? मैं अनाथालय में दान देने आया था। दान देने आए थे? शांति बहन, बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए, ये पापी मेरी इज्जत पे हाथ डालने जा रहा है। सुन लिया लाला, दान देने आए थे या रात के अंधेरे में लुटेरे बनकर इस मासूम लड़की के जीवन की पूंजी उठने? मैंने ये लड़की चार सब भी, इसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर तुम्हारा असली रूप मैंने आज ही देखा। मेरी सूरत बुरी है, मैं बुरा नहीं शांति बेटी। शांति बेटी, मुझे बेटी कहकर बाप बेटी के पवित्र रिश्ते पर कलंक न लगाओ, समझे? मेरा बस चले तो तुम्हारी दोनों आंखें नोच लूं जिन्होंने अरुणा की तरफ बेहाई से देखा। लाला, तुमने सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि औरत जाति की लाज को ललकारा है। तुम ये भूल गए कि औरत अपनी लाज बचाने के लिए शेरनी बन जाती है, जिसके गुस्से की आग उसके दुश्मन को भस्म कर देती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए लाला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप तो समाज के नेता है ना? दरवाजा किधर है? दरवाजा किधर है? मैं दिखाती हूँ दरवाजा, चलो जाओ घर। कौन? ठेकेदार जी, केले के छिलके ने गिरा दिया। तो ठेकेदार साहब भी आ गए? नहीं नहीं शांति बेटी, मैं तो इन्हें ढूंढने आया था। अच्छा, तो आप इसे सीधा घर ले जाइए, चलते चलते जाइए। नमस्ते। राजन, भोला ने कहा था कि वो आज सब कुछ पता लगा कर आएगा, न जाने अब तक क्यों नहीं आया। मैंने भी चाचा को सुबह से नहीं देखा, दोपहर का खाना खाने तक नहीं आए। अब मुझे लगता है कि चाचा ने जरूर कोई गलती कर दी होगी और उसकी सजा भुगत रहे होंगे। सजा देने वाला भगवान है, इंसान नहीं राजन। जिस पाप के पेड़ की छाया तले ये लोग आराम कर रहे हैं, एक दिन वही पेड़ इनसे बदला लेगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या बात है शांति? अरुणा रो रही है, क्या हुआ इसे? ये बेजबान अपने मुंह से क्या बताएगी, मुझसे पूछिए जिसने अपनी आंखों से आपके साथियों का असली रूप देखा है। वो आपके दोस्त है ना लाला जी, नशे में चूर अनाथालय में इस गरीब की इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गई, वरना भगवान जाने क्या होता। लाला जी, वो भीगी बिल्ली? हाँ राजन, लाला जी जब मैंने उनकी काफी मरम्मत की और वहां से भगाया तो ठेकेदार साहब भी उधर आ निकले। क्या हुआ शांति? क्या हुआ? मुझे अपनी बच्ची समझ के इस घर में आश्रय दीजिए, नहीं तो मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगी। लेकिन अनाथालय नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। घबराओ नहीं बेटा, उसे तुम अपना ही घर समझो, हमारे लिए जैसे शांति वैसे ही तुम। चलो आओ मेरे साथ। पिताजी, ये तो एक इंसान की दुर्दशा आपने सुनी, न जाने इन बड़े लोगों के हाथों आए दिन
कितने भोले भाले इंसानों की जिंदगी बर्बाद होती होगी। चाचा जी, ये लोग अब हद से ज्यादा बढ़ गए। मैं जानता हूं सब चीजों की जिम्मेदारी मेरे पिताजी के सर पर है। अगर वो इनकी हां में हां ना मिलाते तो इनकी क्या मजाल थी कि ये लोग। पति की भी कोई हद होती है। तो चाचा जी, नेकी की हद क्यों नहीं है? आप क्यों चुप हैं? पिताजी, आप अपने कलम से लोगों के पोल क्यों नहीं खोल देते? जनता को ये क्यों नहीं बताते कि सच क्या है और झूठ क्या है? शांति बिल्कुल ठीक कहती है चाचा जी। जुल्म देखकर उस पर पर्दा डालना इतना ही पाप है जितना जुल्म करना। तुम ठीक कहते हो बेटा, आओ हम अपना काम शुरू करें। अब आप लोग मूर्ति उठाइए। अब अपने पवित्र हाथों से इस शुभ कार्य का उद्घाटन कीजिए। सुना महाराज, भगवान ने प्रसन्न होकर आज्ञा दे दी। क्यों ना दे दी, माया पाप होती है और पाप की नींव पर भगवान का सिंहासन क्यों हो। खजाने का कोई निशान मिला बंधुओं? नहीं राज साहब। सबर का फल मीठा होता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। देखो शास्त्री जी, अब सुबह हो रही है, आज का काम बंद कर दिया जाए, शाम से फिर शुरू कर देंगे। जैसी महाराज की इच्छा। सज्जनों, काम बंद कर दो। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, अब तुम कहो। मैं कहूं? क्यों नहीं, अगर तुम नहीं कहोगे तो एक दिन जनता तुम्हें कहने पर मजबूर करेगी। लिखने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम की फिक्र बुरे आदमी को होती है, अच्छे आदमी को नहीं। तो क्या मैं तुम्हारी नजरों में एकाएक ही बुरा आदमी बन गया? बुरे तो तुम बहुत बरसों से थे, लेकिन मुझे तुम्हारी बुराइयों का पता ना था। अब मैं जान गया हूं कि तुम दौलत, इज्जत और झूठी शोहरत के लिए हैवानों से भी बुरे बन सकते हो। जबान को लगाम दो। मेरी जुबान पर ताला डालना चाहते हो? हो सकता है कि एक दिन तुम मेरी जुबान बंद कर सको, लेकिन तुम मेरे जमीर को नहीं रोक सकते। मेरे जमीर को मालूम है कि तुमने कौन कौन से काले कारनामे किए हैं। मुमकिन है कि तुम अपने रसूख से उन पर पर्दा डाल सको, लेकिन दीनदयाल, झूठ के पांव नहीं होते, काट की हाड़ी निज दिन चूल्हे नहीं चढ़ती। तुम्हारी धमकियों की मेरी जूती को भी परवाह नहीं। रामदास, ये न समझो कि मैं खुशामद के लिए तुम्हारे पास आया था। मैं तो तुम्हें यह समझाने आया था, एक दोस्त के नाते, कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो गलत है, उस रास्ते से बाज आ जाओ। दीनदयाल, मैं एक गरीब जर्नलिस्ट हूं जिसके पास तुम्हारी तरह चांदी का जूता नहीं, जो किसी के सर पर मारा और उसका जमीर कुचल दिया। मेरे पास एक कलम है जो अच्छे आदमी के लिए अमृत और बुरे आदमी के लिए जहर है। याद रखो दीनदयाल, ये कलम मुझे अपनी जिंदगी, अपने घर बार की खुशी और अपने बाल बच्चों की बेहतरी से भी ज्यादा प्यारा है। शायद इसलिए अकड़ रहे हो कि तुम्हारे पास उस खून का रास है
लेकिन ये ना भूलो कि मैं शहर का सबसे बड़ा आदमी हूँ। अगर तुमने वो रात जाहिर भी कर दिया तो लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि खून मैंने किया है, वो तुम पर ही पत्थर मारेंगे। और तुम तो वो इल्जाम अपने सर पर लेकर जेलखाने भी चुके हो। कमीना आदमी दूसरे को भी कमीना ही समझता है। खून तुमने किया ये बात सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्ती के नाते जो कुर्बानी मैं दे चुका हूँ वो हमेशा मेरे सीने में एक राज बनकर दफन रहेगी। लेकिन अब सब कुछ जानते हुए मैं एक भेड़िए को भेड़ कहने के लिए तैयार नहीं। याद रखो तुम शोलों में हराल रहे हो। तुम भी याद रखो कि सच्चाई को जला देने की शोलों में भी शक्ति नहीं। देखता हूँ कौन किसको जलाता है और कौन चलता है। मैं सब क्या सुन रही हूँ? ये दुनिया है शांति की माँ, ये दुनिया है। वो तो ठीक है, लेकिन बड़े आदमियों के साथ बैर मोड़ लेना अच्छा नहीं। भूलो नहीं शांति की माँ, आदमी दौलत से नहीं बड़ा होता। देखो उसे, कौन होगा उससे बड़ा? एक लंगोटी थी तन पर, और जब ये इस दुनिया से रुखसत हुआ तो सारी दुनिया ने एक जबान से यही कहा कि आज हम यतीम हो गए। मुझे तुमसे जरूरी काम है, अंदर आओ। प्रजा समाचार पढ़ा तुमने? जी हाँ पढ़ चुका। मैंने सुना उसके लिखने में भी तुम्हारा ही हाथ है। आपने ठीक सुना। तो क्या एक बेटे का यही फर्ज होता है कि वो अपने बाप के खिलाफ सर उठाए, बाप के दुश्मन से मिलकर अपने खानदान की जड़ें खोदे? राजन, मैं नहीं चाहता कि आइंदा रामदास या उसके खानदान के किसी आदमी से तुम्हारा कोई संबंध रहे। लेकिन वो कौन मूर्ख होगा जो कि अच्छे भले आदमी से अपना संबंध तोड़े। तो आज तुम्हें अपने बाप से बाप का दुश्मन ज्यादा प्यारा है। दुश्मन? रामदास चाचा और दुश्मन? वो तो आपके लिए आपके सगे भाई से बढ़कर है। ये तुमसे किसने कहा? जो चीज मैं बचपन से देखता आया हूँ उसके बारे में किसी से पूछने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुल चुके हो। आपकी इज्जत का दुश्मन मैं नहीं, आप खुद हैं। अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए कि जो इज्जत आपने बना रखी है क्या वो सच्ची है? क्या किया है मैंने? तुम्हारे लिए तो दिन रात पसीना बहाया है। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही है। उसे मैं सीने से बांधकर अपने साथ दूसरी दुनिया में नहीं ले जाऊंगा। और ये जानते हुए भी कि दौलत किसी के साथ नहीं जाती, आपने जिंदगी भर दौलत की ही पूजा की। आपकी जिंदगी के तराजू में एक तरफ आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, आपका लड़का था, और दूसरी तरफ सोने और चांदी के टुकड़े थे। झूठा नाम, झूठी शोहरत और ताकत का नशा था। उसी ताकत के नशे में आपने अपनी बेवा बहन की जायदाद छीन ली, अपने अच्छे भले भाई को दुनिया की नजरों में पागल ठहराया। अगर आपको मौका मिलता तो हो सकता है आप अपने फायदे के लिए किसी का खून भी कर देते। राजन! पिताजी, गुस्से की कोई जरूरत नहीं। मैंने जरूर पिछले जन्म में अनगिनत पाप किए होंगे जो इस जन्म में आपके घर पैदा हुआ। मैं नादान था जो आज तक मैंने आपसे संबंध रखा, लेकिन अब मैं पाप का साथ नहीं दे सकता। आप भूल जाइए कि आपका भी कोई दाता। क्या बात थी डॉक्टर बाबू? जो कुछ भी थी खत्म हो गई। कुछ तो बोलिए राय साहब। बोलूं क्या? रामदास कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। जान पड़ता है प्रजा समाचार के अगले नंबर में वो हमारे सारे भेद खोल देगा। और तो और, उसने मुझसे मेरा बेटा तक छीन लिया। महाराज, आपकी जन्म कुंडली देखकर तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है। घर में झगड़े होंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, परंतु प्रभु अंत में विजय आप ही की होगी। लेकिन राय साहब, आप उस कमीने के घर गए क्यों? आखिर चोटी क्या और चोटी की बिसात क्या? मैं एक पल में कुचल सकता हूँ उसे।
मेरा ख्याल था शायद रामदास परसों की दोस्ती के नाम पर मेरा कहना मान जाएगा, लेकिन बात बहुत बढ़ गई है। रामदास का जिंदा रहना हम सबकी मौत है। इसी बात का रोना तो मैं कब से रो रहा हूं। आपने पहले इशारा किया होता तो अब तक रामदास की आत्मा मुक्त हो जाती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल तक आपको खबर मिल जाएगी। कल बहुत पूरा हिम्मत राय जी, जो कुछ करना है आज रात ही कर दीजिए। सुबह नहीं होने दूंगा राय साहब। बाबूजी मशीन टूट गई, अब क्या होगा? सुबह पर्चा कैसे निकलेगा? घबराओ नहीं मोहन, पर्चा सुबह जरूर निकलेगा। मैं अभी दिल्ली जाता हूँ, सुबह तक लौट आऊंगा। शांति की माँ, शांति की माँ, शांति की माँ, क्या बात है पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मशीन का पुर्जा टूट गया है। मशीन का? हाँ बेटा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सुबह तक वापस लौट आऊंगा। अकेले जाएंगे? मैं भी साथ चलूं? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए यहाँ बहुत काम है। तो क्या आप अभी दिल्ली जा रहे हैं और हम लोग यहाँ अकेले? न जाने क्यों मेरी आँख पड़ गई। तुम तो खामखा डरती हो, कहा ना तुमसे कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें डर लगता है तो राजन को बुलवा देता हूँ, वो रात को ही सो जाएगा। मोहन देखो, मैं राजन के नाम चिट्ठी देता हूँ, तुम उसके पास ले जाओ। कैसी तबीयत है राजन की? घबराइए नहीं, जख्म तो काफी गहरे थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हर बात अपने काबू में। ये लीजिए, राजन की जेब से कुछ चीजें मिली। चिट्ठी? देखिए आपने रामदास के करतूत। करतूत? अन्याय, घोर अन्याय। डॉक्टर साहब, पहले खुद चिट्ठी लिख के राजन को घर पर सोने के लिए बुलवाया और फिर गुंडों से हमला करवा दिया। दस्तखत रामदास के? बिल्कुल। लिखता है, बेटा राजन, मैं आज रात को किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। शांति और तुम्हारी चाची घर पर अकेली है, तुम यहीं आकर सो जाना। ठेकेदार जी, अरे देते क्या हो, जल्दी से पुलिस में खबर कर दो। अगर रामदास को फांसी न हुई तो मैं अपने त्राजू तोड़ दूंगा, चलो जल्दी। शास्त्री जी, राजन का क्या हाल है? हाल पूछती हो? तुम लोगों ने तो उसका बुरा हाल कर दिया था, पर जिसको राखे साई है मार सके ना कोई। इंस्पेक्टर साहब, ये चिट्ठी राजन की जेब से निकली है जो रामदास ने अपने हाथों से लिखी थी। हाँ, मेरे साथ चलिए। चलिए। राजन पर हमले के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये सब क्या हो गया राजन, ये सब क्या हो गया?
मैं अच्छा हूँ शांति, बिल्कुल अच्छा हूँ। चाचा जी दिल्ली से आ गए ना? तुम्हारे पिताजी और उनकी चंडाल चौपड़ी ने तुम्हारे हमले का इल्जाम पिताजी पर लगाया है, पुलिस उन्हें स्टेशन से पकड़ कर ले गई है। नहीं शांति, लेकिन इसका उनके पास सबूत क्या है शांति? मुझे कुछ नहीं पता राजू, मुझे कुछ नहीं पता। अगर बड़े लोग चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। घबरा मत शांति, घबरा मत। मैं अभी जिंदा हूं शांति, जिंदा हूं। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। आप गीता की सौगंध खाकर कहिए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं भगवत गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि न तो मैंने जिंदगी में कभी झूठ बोला है और ना आज बोलूंगा। आपको रामदास से कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं, दोस्ती जरूर है, लेकिन एक जरा सी बात हो गई थी जिसकी वजह से मेरे दोस्त के मन में खोट आ गई। वो क्या बात थी? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। जेल जाने से पहले रामदास इस नगर की म्यूनिसिपल कमेटी का मेंबर और अनाथालय का कर्ता धरता था, लेकिन मेरे ड्राइवर को गलती से मार देने के इल्जाम में जब वो पकड़ा गया तो कानून के मुताबिक उसकी ये दोनों पदवियां छीन ली गईं। जेल से छूटने के बाद जब दोबारा रामदास ने अनाथालय का कर्ता धरता बनना चाहा तो मैंने उसूल के मुताबिक उसे साफ इनकार कर दिया। योर ऑनर, इसने मेरी बातों का बुरा माना और इसने मुझसे बदला लेने का सोचा। योर ऑनर, वो मेरे बेटे के खून का प्यासा हो गया। आप इस शहर के सबसे बड़े धर्मात्मा श्री विष्णु भगवान के मंदिर के पुजारी श्रीमान शास्त्री जी से पूछ सकते हैं। अन्नदाता, मेरी आंखों देखी और कानों सुनी बात है, रामदास महाराज के पास रो रो कर कह रहा था, राय साहब अगर आपने मेरे पाप पर पर्दा नहीं डाला तो और कौन डालेगा? तो राय साहब दीनदयाल ने क्या जवाब दिया? सरकार बस इतना कहा कि रामदास तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें बड़े से बड़े दोष के लिए क्षमा कर सकता हूँ, परंतु जो बर्ताव तुमने गरीब अरुणा देवी के साथ किया उसे कभी नहीं भूल सकता। अरुणा देवी, वो कौन है? सरकार, अरुणा अनाथालय की एक सुंदर नौजवान अध्यापिका है जिससे श्री रामदास जी का, अब क्या कहूं सरकार, लाज आती है, कुछ मेल जोल है। यदि आपको मेरा विश्वास नहीं तो आप नगर के सबसे बड़े ठेकेदार बाबू हिम्मत राय जी से पूछ लीजिए। हुजूर, मैंने अनाथालय में जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो जबान पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस दुनिया से बदी का खात्मा करने के लिए मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि जब मैं अनाथालय की जांच पड़ताल के लिए वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि रामदास का दायां हाथ अरुणा देवी के दाएं गाल पर था। झूठ, बिल्कुल झूठ। ऑर्डर, ऑर्डर। आज वही अरुणा देवी अनाथालय में नहीं बल्कि रामदास के घर पर रहती है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो लाला मोतीराम जी से पूछकर देख लीजिए जो कि उस वक्त मेरे साथ थे। लाला जी, क्या आप जानते हैं कि रामदास और राय साहब की आपस में कोई दुश्मनी है? वकील साहब, सांप और नेवले की हमेशा दुश्मनी रही है। बापू, ये बताइए कि सांप कौन है और नेवला कौन है? वकील साहब, सांप सांप है और नेवला नेवला है। मैं पूछ रहा था कि सांप कौन है। ये भी कोई पूछने की बात है वकील साहब? सांप तो रामदास है। एक दिन ये सांप मेरे घर में घुस आया और मुझसे कहने लगा कि तुम राय साहब की टोली से अलग हो जाओ वरना मैं तुम्हें डंक मारूंगा। मैंने कहा जा जा, मैं भी तो बीछू की औलाद हूँ, तू मुझे क्या काटेगा। तो फिर रामदास ने क्या जवाब दिया? वो गर्ज उठा और बोला कि तुम जानते नहीं मैं पेपर का मालिक हूँ, अगर तुमने अभी अभी 2000 रुपए कैश नहीं दिए तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने भगवान से डर के कहूंगा। क्या राय साहब से तुम्हारी कोई दुश्मनी है?
दुश्मनी हैवान को हैवान से होती है जज साहब, लेकिन एक इंसान जो अपने भले बुरे की तमीज कर सकता है उसको किसी से क्या दुश्मनी। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें राय साहब से कोई शिकायत नहीं, फिर तुमने अपने अखबार में राय साहब के खिलाफ जहर क्यों उगला? जज साहब, मैं एक गरीब जर्नलिस्ट हूँ और सच्चाई को दुनिया के सामने लाना मेरा फर्ज ही नहीं बल्कि धर्म है। लाला जी के बयान के मुताबिक मैं एक सांप हूं, लेकिन वो सांप नहीं जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को काटता है, बल्कि वो सांप हूं जो नेकी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हुई बदी को काटता है। योर ऑनर, अगर आपको मेरी नेकी पर शक है, उस आदमी से पूछिए जो बदी के पौधे की छांव में पला, लेकिन उसकी आत्मा इतनी अच्छी थी कि उस पर बदी के साए का असर तक ना हो सका। योर ऑनर, मैं राय साहब का इकलौता बेटा हूं, भला बेटे से ज्यादा अपने बाप को कौन जान सकता है? और फिर मैंने ये कहते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि रामदास जी पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठ है, बेकार है, बेबुनियाद। कौन कहता है कि रामदास जी बुरे आदमी हैं? योर ऑनर, अगर कोई बुरा है तो ये लोग, मेरे बाप की झोली उठाने वाले ये लोग, ये लालाजी जिनकी नजर बिल्कुल कमजोर रही है, लेकिन हमेशा से सिर्फ इसलिए योर ऑनर के लोग इनकी गुनहगार आंखों में झांक ना सके। भगवान के बनाए हुए सुर्ख और सफेद अनाज को काला बनाना इनका धर्म है। कहत के दिनों में जब गरीब लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं तो इनके गोदाम में अनाज का ढेर होता है जिसको ये महंगे दामों से बेचते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। और ये तिलकधारी शास्त्री जी जो दिन रात मंत्रों का उच्चारण करते हैं लेकिन नहीं जानते इनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है। ऑनर, ये भगवान की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनके पापों पे पर्दा पड़ा रहे। पूछिए नजरा इनसे, पूछिए कभी इन्होंने भगवान से किसी की भलाई की दुआ मांगी है? मैं तो ये जानता हूं कि भगवान से ज्यादा ये मेरे बाप की पूजा करते हैं। और वो ठेकेदार साहब जो आए दिन शहर की सड़कें तोड़वाते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि इनके रिश्तेदारों को काम मिलता रहे, बनी बनाई बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं ताकि इनकी जेबें गर्म हो सके। योर ऑनर, इनके चेहरे पर जितनी भी झुरियां हैं ये शहर की सड़कों का नक्शा है। योर ऑनर, योर ऑनर, ये सब लोग खूंखार भेड़ियों का ग्रोह है और इस ग्रोह के सरदार है मेरे पिताजी। ये सब भेड़िए मिलकर एक गरीब गाय के पीछे पड़े हुए हैं योर ऑनर, जिसका नाम रामदास है, रामदास। और गाय भी कैसी योर ऑनर, जिसने जिंदगी में कभी किसी को सींग नहीं मारा बल्कि हमेशा दूध ही पिलाया है। अगर रामदास जी चाहते हैं तो इन सब के पोल खोल सकते थे, इनके पापों से पर्दा उठा सकते थे, लेकिन हमेशा खामोश रहे वो सिर्फ इसलिए कि इनके दोस्तों का राज ना खुल जाए। योर ऑनर, ये सब इनके दोस्त है ना, लानत है ऐसे दोस्तों पर। रामदास जी बहुत भले आदमी है योर ऑनर, बहुत अच्छे आदमी है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए योर ऑनर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं ना कभी किसी झूठ बोलने वाले का साथ लिया है। मुजरिम रामदास को अदालत जेरे दफा 304 ताजीरात हिंद सेशन सुपुर्द करती है। थी 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 थी। माता प्रसाद, ये शराब पी रहे हो या मूछों को इतर लगा रहे हो? ये चौड़ी छाती और सिर्फ एक घूंट शराब? अरे जाओ जाओ, कैसन बात करत हो, एक सांस में पूरी बोतल खत्म कर दिया। अरे झूठ बोलते हो, मर्द हो तो खत्म करके बताओ। ऐसन तो कहा गई हो? मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद? आशीर्वाद से खाली काम न चली प्रभु। माता प्रसाद,
पागल जब मूड में आकर किसी को आशीर्वाद देता है तो वारे न्यारे कर देता है। एक बार मूड में आकर मैंने एक लड़की के सर पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरने की देर थी कि लड़की लड़का बन गई। ऐसा हाँ। तो लियो देखो ये बोतल और ये मुंह ये शुरू अरे मर गए अरे ज्वाला प्रसाद अरे ज्वाला प्रसाद मेरे बाप के नाम रहा तुम्हारे माता प्रसाद नाम माता प्रसाद क्या हुआ तुम्हें अरे बड़ा दर्द बहुत बार अरे मर से बैठा क्या पहले अरे माता प्रसाद तुम मेरे डॉक्टर भतीजे को जानता है अरे जाना था तो तुम उसके अस्पताल में चले जाओ डॉक्टर इंजेक्शन लगवाओ नहीं तो याद रखो बेटा तुम्हारा क्रियाक्रम भी मुझे ही करना पड़ेगा मेरे हाथ खोल देखो हाथ करू हाथ तो ना खोला चाहे मर जाइए अरे जल्दी करो मेरे घुटने की मेल पर लिख दो खूब कस के लिख दो आए दस बारह इंजेक्शन दे दिए नहीं मर डॉक्टर बाबू ये माता प्रसाद यहाँ से मिलने अरे अरे डॉक्टर बाबू तुम्हारे चाचा चिट्ठी दे रहे यही मत सभी मैं लिखी है बाबू इनके दोनों मर गए माता प्रसाद जी जिस पापी पेट के लिए बनारस से चलकर यहाँ आए थे उनके उसी पेट में दर्द हो रहा है बाकी अरे गरम पानी की बोतल जल्दी से शांति देखो मेरे बाग में से दो गोली उनको खिला दो तब तक मैं दूसरे मरीज को देख के आता हूँ इनका खास ख्याल रखना हमारे चाचा इनके मेहमान हैं माता प्रसाद डॉक्टर साहब सब ठीक हो जाएगा कुछ करो ठीक करो अरे बाबू मोहन ठीक है तुम गर्म पानी का सेक करो अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो आज दो घड़ी के लिए मुझे पागल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी समझकर मेरे साथ मंदिर चलो आज भगवान तुम सबका इम्तिहान लेना चाहता है यानी कि एग्जामिनेशन लेना चाहता है वो मूर्ति जिसकी स्थापना के लिए काशी मथुरा बद्रीनारायण और रामेश्वरम से पंडित बुलाए गए थे आज उसी मूर्ति के अपमान के लिए इस शहर के चार चंडाल मंदिर में जमा भाइयों आज वो वक्त आन पहुंचा है जब हमको अपनी जान पर खेल कर भी अपने धर्म की रक्षा करनी है अपनी लाज को बचाना है चलो मेरे साथ और चल के देखो अपनी आंखों से कि झूठ क्या है और सच क्या है मिल गया चलो बहनो चलो चलो भाइयों चलो क्या करना है इन सब की छुट्टी हो गई है इंस्पेक्टर साहब दुनिया की फहरिस्त से इनका नाम काट दीजिए बस
भैया